कल्चर विज्ञान की क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घर को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और चंबल आदि का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मानव शरीर को बनाने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है, या मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? आइए इस विषय में इस प्रकार से जानते हैं। बच्चों, जैसे कि ईंटों से मिलकर एक दीवार का निर्माण होता है, और दीवार जब आपस में मिलती है तो एक कमरे का निर्माण करती है, और जब सभी कमरों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक घर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से कोशिका से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है, जिसे कि हम ऊतक कहते हैं, और जब ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं, और जब ये अंग आपस में मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र, जब सभी अंग तंत्र मानव शरीर में जितने भी अंग तंत्र पाए जाते हैं, जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी मीन्स एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों हम कोशिका की। तो आज की क्लास बच्चों हमारी कोशिका से अंग तंत्र पर आधारित है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो बच्चों बात करते हैं हम कोशिका की, कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका को बच्चों सेल कहा जाता है, लेकिन सेल अंग्रेजी विषय में कहा जाता है। यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कोशिका को साइटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। और कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाएगा? सिंपल सी बात, साइटोलॉजी। साइको नहीं, साइको मीन्स पागल, पागल नहीं है, क्या है? साइटो। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। सभी जीव में बच्चों बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, और जितने भी हमारे संसार में जीव पाए जाते हैं वो सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं कोशिका की खोज की। तो बच्चों सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बच्चों 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन असल मायने में यदि हम बात करें तो कोशिका के खोजकर्ता को रॉबर्ट हुक के नाम से ही जाना जाता है। तो बात करते हैं हम कोशिका के अध्ययन की, मीन्स साइटोलॉजी की। तो जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक रहे, जिनका क्या नाम था? एमजे स्लाइडिंग। एक और वैज्ञानिक रहे, लेकिन वो कौन थे? जंतु वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम था थियोडोर स्वान। और इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे कि हम कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब इस सिद्धांत की क्या क्या बातें मुख्य रही, आइए इस विषय में जानते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। यदि हम एक कोशिकी जीव की बात करें बच्चों, तो आप बहुत सारे एक कोशिकी जीव हैं जो कि हमारे संसार में मौजूद हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास और वर्टिसेला। अब और इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि एक जीव, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का से मिलकर बना होता है। जिन जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकी जीव कहते हैं, जैसा कि आपको अभी बताया कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लाइडोमोनास एंड वर्टिसेला। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनका की शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कि हम बहुकोशिकीय जीव भी कहते हैं। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि केंद्रक बच्चों मुख्य कार्यकर्ता होता है, इसीलिए केंद्रक को सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। बच्चों ये कोशिका का सबसे प्रमुख कोशिकांग होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से कोशिकाएं विभाजित होती हैं। बच्चों आइए कोशिका के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका को बच्चों क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा।
कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हम मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली कोशिका की बात करें तो बच्चों सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जिसे कि हम स्पर्म कहते हैं, जो कि एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे कि हम अंडाणु कहते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे लंबी कोशिका की। सबसे बड़ी नहीं, अक्सर करके बच्चे गलती कर देते हैं कि बड़ी और लंबी। यहां समझ लीजिए बच्चों, बड़ी क्या है? बड़ी बहुत सारी चीजें, बुलंद दरवाजा क्या है? बड़ा। लंबा क्या है? कुतुब मीनार, एफिल टॉवर। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एफिल टॉवर की, मीन सबसे लंबी कोशिका की, जो कि कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर के दिमाग में, जिसे कि हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, मीन्स तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर इस बात को इतने अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो न्यूरॉन होता है, मीन तंत्रिका कोशिका होती है, वो विभाजित नहीं होती है। विभाजित नहीं होती है, इसीलिए बच्चों जब हेड इंजरी हो जाती है तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि कहीं भी इंजरी हो जाए लेकिन हेड के अंदर इंजरी नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं विभाजित होने वाली कोशिकाओं की। तो विभाजित होने वाली कोशिकाएं मानव शरीर में लिवर में पाई जाती हैं, जिसे कि हम यकृत कहते हैं। लिवर के अंदर बच्चों यदि कोई क्षति हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति लिवर द्वारा तुरंत कर ली जाती है, क्योंकि ये कोशिकाओं में बहुत तेजी से विभाजित होता है। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है बच्चों, वो विभाजित नहीं होती है। बच्चों बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली की, जिसे कि हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो दुकानदार धनिया मिर्ची नींबू और थोड़े से करौंदे को एक पतली सी पन्नी में डालकर दे देता है, तो वो झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली। उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो ऐसी ही झिल्ली के अंदर बंद होते हैं, और ये झिल्ली बच्चों जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। मुख्य बात ध्यान रखिएगा, ये जो आप झिल्ली देख रहे हैं, ये झिल्ली जंतु और पादप दोनों के अंदर पाई जाती है। और इसके साथ साथ बच्चों ये कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है और चुनिंदा पारगम्यता प्रदान करती है। तो बच्चों बात करते हैं हम कोशिका भित्ति की, जिसे कि हम सेल वॉल कहते हैं। अब आपने बच्चों सब्जी वाले की दुकान पे सब्जी वाले से कहा कि हमें 2 किलो आलू दो, तो क्या वो उस पतली पन्नी में रख के देगा? क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएगी। इसके लिए वो क्या करता है? एक मोटी सी पन्नी, एक दूसरी पन्नी लेता है और उस पन्नी में रख के वो आपको देता है। तो यानी हमारी पन्नी कैसी हो गई? डबल। तो यहाँ पर जो पन्नी है जो डबल हुई है बच्चों, वही उसी को हम यहाँ क्या कहते हैं? सेल वॉल। बच्चों सेल वॉल, सेल वॉल पादपों में पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। और ये बच्चों सेल वॉल जो होती है वो कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है, और साथ ही साथ बच्चों सेल वॉल पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है। जंतुओं के अंतर्गत बच्चों ये सेल वॉल प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और जीवाणु में ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और कवक के अंतर्गत ये बच्चों सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। आइए आप जानते हैं दूसरे कोशिकांग न्यूक्लियस के विषय में, जिसे कि हम केंद्रक भी कहते हैं। तो कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है, और जैसा कि अभी बताया आपको, ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, क्योंकि ये कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। केंद्रक बच्चों जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है।
केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। साथ ही बच्चों इसमें डीएनए आरएनए गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। अब बात करें प्रतिशतता की, तो 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। बच्चों बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि हम पावर हाउस कहते हैं। श्वसन क्रिया के विषय में तो आप जानते हैं, तो श्वसन क्रिया में क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाकर कोशिका में छोड़ देता है और कोशिका में जाकर किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एक साइकिल चलता है जिसे कि हम चेन रिएक्शन कहते हैं, और उस जो चेन रिएक्शन के परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और बच्चों जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपस में मिलते हैं कितने संख्या में, 38। जब 38 एटीपी आपस में मिलते हैं तो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बच्चों 1857 में फिजियोलॉजिस्ट कॉलिकर ने की थी और 1886 में रिचर्ड आल्टमैन ने इसका नाम बायो ब्लास्ट रखा। लेकिन उसके बाद 12 साल बाद बच्चों कार्ल बेंडा ने इन अंगों का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। यह कोशिका के द्रव्य में पाए जाने वाली बच्चों गोलाकार और सूत्राकार रचनाएं होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है और झिल्ली के अंदर जो आप यहाँ पर जो आप जिस उभार देख रहे हैं इस तरह के उभार, इन उभारों को क्या कहते हैं? इन उभारों को बच्चों हम क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है, ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, अब जैसा कि अभी आपको बताया किसका निर्माण होता है, जब चेन रिएक्शन होती है तो एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ग्लूकोज के निर्माण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं बच्चों, जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, किसी भी अंग की बात करें तो सभी अंग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ तो मेरी जीभ जो है किससे मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। यदि मैं इस अपने अंग जीभ के द्वारा लगातार इसी प्रकार से बोलती जाऊंगी तो क्या होगा, एक समय ये आएगा कि मेरी जीभ लड़खड़ाना शुरू कर देगी और क्या होगा, लड़खड़ाने के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो तेजी से खर्च भी तो हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं, अब कोशिका में एक ऐसा अंग भी तो होगा जो कि हमारे इस स्तर को क्या करे, एक संतुलित रखे, यानी संतुलन का कार्य रखे। मीन जहां पर ऊर्जा बन रही है, ज्यादा ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को उठाकर जहां ज्यादा जरूरत है वहां पर उसे रख दे। क्या कभी ऐसा होता है कि हम एक धावक बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है और उसका केवल पैर ही थके, नहीं ना, उसका पूरा शरीर थक जाता है, क्योंकि एक अंग है जिसे कि हम क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो होती है बच्चों परिवहन का कार्य करता है, वो पूरे शरीर में हमारे संतुलन को बनाए रखता है। तो आइए जानते हैं हम गोल्गी बॉडी के विषय में। गोल्गी बॉडी जिसे कि हम गोल्जी काय भी कहते हैं, इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी और यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक होता है। इसीलिए बच्चों गोल्गी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कि हम अंतर प्रदभी जालिका भी कहते हैं, ये अंतर प्रदभी जालिका क्या है, जिस तरह से बच्चों
घरों में पिलर और बीम का प्रयोग किया जाता है, इसी तरीके से हमारे कोशिका में ये भी एक कंकाल का कार्य करते हैं, क्योंकि जब कोशिका के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा तो कोशिका क्या होगी, पिचक जाएगी। तो कोशिका पिचके नहीं, वो यथावत इसी प्रकार की बनी रहे, इसीलिए उसमें क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि हम इन शॉर्ट ERB कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की, तो बच्चों इसकी खोज जॉर्ज हेनरी पैलाडे ने की थी। प्रदब्धी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतर प्रदब्धी जालिका और एक खुरदरी अंतर प्रदब्धी जालिका। चिकनी अंतर प्रदब्धी जालिका बच्चों किसका उत्पादन करती है, वसा का, क्योंकि वसा कैसी होती है, चिकनी होती है। और अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो दो प्रकार से, मतलब ये नहीं है कि दो इसके प्रकार अलग अलग होते हैं, एक ही अंतर प्रदब्धी जालिका के दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। जो चिकना पार्ट होता है वो वसा का उत्पादन करता है, मींस वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, खुरदरा। खुरदरा किसका संश्लेषण करता है बच्चों, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, किसका, प्रोटीन का। अब खुरदरा का इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों खुरदरे भाग में छोटे छोटे आपको कण दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ छोटे छोटे कण आप देख पा रहे होंगे, ये कण जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, और इन्हीं राइबोसोम के द्वारा बच्चों प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब आइए जानते हैं हम राइबोसोम किसे कहते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और दूसरा 80S। 70S जो होता है बच्चों आकार में छोटे होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में। 80S बच्चों ये आकार में बड़े होते हैं और ये विकसित पौधे और जंतु के अंदर पाए जाते हैं। आइए जानते हैं हम अगले कोशिका जिसे कि हम रसधानी मींस वैक्यूल कहते हैं। हमारे शरीर में बच्चों 65% जल पाया जाता है। अब ये जल कहाँ पाया जाता है, क्या पेट में पाया जाता है? अगर 65% जल बच्चों अगर स्टमक में होगा तो हमारा स्टमक तो फूल के यूं हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। जितना भी 65% जल होता है बच्चों कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वैक्यूल्स में पाया जाता है। जंतु और पादप दोनों में ये रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है बच्चों कि जंतुओं में ये कोशिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं, और पादप में केवल एक ही रिक्तिका कोशिका होती है, जो कि आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। रसधानी में बच्चों एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कि हम कोशिका रस कहते हैं, और इस रस में बच्चों जल, खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ, उसके विषय में भी जानते हैं। कोशिकांग तारक का है जिसे कि हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रखने वाली बात है कि ये केवल किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, और ये बच्चों बेलन जैसी रचना होती है, और यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है, और ये कोशिका विभाजन में क्या करती है, सहायता करती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दिमाग के अंदर न्यूरॉन पाया जाता है, मींस तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि जब उसमें विभाजन नहीं होता है दिमाग के अंदर तो कैंसर कैसे हो जाता है, तो बच्चों 10% ग्लिया सेल भी पाई जाती है दिमाग के अंदर, उन्हीं ग्लिया सेल में इस सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, और कोशिकाओं का असंख्य रूप में विभाजित होना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कोशिकाओं का लगातार अनवरत रूप से विभाजित होना ही किसको जन्म देता है, कैंसर को जन्म देता है। बच्चों लाइसोसोम, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसकी खोज किसने की, इसकी खोज बच्चों बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट रहे क्रिश्चियन डे ड्यूक। कौन, क्रिश्चियन डी ड्यूक, उन्होंने 1955 में लाइसोसोम की खोज की। अब लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। अब आप ये कहेंगे कि ये पाचन कैसे करता है, लाइसोसोम बच्चों क्या करता है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है
या सेंट्रोसोम कार्य नहीं कर रहा है, या न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है, या वैक्यूल काम नहीं कर रही है, तो ये अपने पास बुलाता है और कहता है कि ओ माइटोकॉन्ड्रिया तुम काम नहीं कर रहे हो। तो ये झट से क्या करता है, एक अपना एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देता है, जिससे क्या होता है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है और अपनी अक्कड़ भी उसकी कैसी हो जाती है ढीली हो जाती है। तो लाइसोसोम बच्चों क्या करता है, अब आप कहेंगे कि अगर हमारी कोशिका शरीर के अंदर कोई कोशिका डेड हो जाती है तो वो जब डेड पड़ी रहेगी तो एक बीमारी को जन्म देगी, तो बीमारी का जन्म ना हो इसीलिए बच्चों जो लाइसोसोम है अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या है एक पाचन का कार्य करता है, ये उस अंग को वहीं की वहीं क्या कर देता है डिस्ट्रॉय कर देता है अपने एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा। अब जब क्या होगा बच्चों, अब बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस वैक्यूल प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, अब इन्होंने एक यूनिटी बनाई और इन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम क्या करता है अपने आप को ही क्या कर देता है खत्म कर देता है। जब अपने आप को खत्म कर देता है तो क्या होता है वो सेल पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, इसीलिए बच्चों इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है सुसाइड बैग कहा जाता है। बात करते हैं बच्चों हम पादप और जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग की, कि पादप में और जंतु में कौन कौन से कोशिकांग कॉमन रूप से पाए जाते हैं, और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कैसे होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो बात करें हम राइबोसोम, हमने जाना कि राइबोसोम जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये कंकाल का कार्य करता है, इसके बिना तो कोशिका हमारी बिल्कुल उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो तो पिचक जाएगी, इसलिए दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, भाई सब्जी लेने तो हम पहली बार सब्जी लेने जाएंगे तो एक पन्नी में ही तो लाएंगे, दूसरी बात गॉल्गी एपरेटस क्या करता है परिवहन का कार्य करता है, अगर गॉल्गी एपरेटस नहीं होगा तो ऊर्जा सभी कोशिकांगों में प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिना तो कोशिका का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस बच्चों पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य कोशिकांग जैसे कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, ये बच्चों केवल किसमें पाया जाता है जैसा कि हमने अभी जाना जंतु कोशिका में पाया जाता है, और फ्लैजेला, फ्लैजेला जंतु कोशिका में होता है पादप कोशिका में फ्लैजेला नहीं होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ये किसका काम करता है परिवहन का कार्य करता है। सेल वॉल हमने जाना सेल वॉल किसमें होती है पादप कोशिका में। सेंट्रल वैक्यूल हमने बताया था कि पादप कोशिका में सेंट्रल वैक्यूल होती है जो कि संख्या में कितनी होती है केवल एक, और जंतु कोशिका में आपको बहुत सारी यहाँ पर वैक्यूल देखने को मिलेंगी जो कि संख्या में कैसी होती है अधिक और आकार में छोटी होती है। और पादप कोशिका में और क्या पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण पादप का रंग कैसा होता है हरा। तो बच्चों बच्चों आज की क्लास में हमने कोशिका से अंग तंत्र के विषय में जाना, जिसके अंतर्गत हमने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के विषय में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में तो एक और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता सिंह मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से